अबे भाई साहब अवेंजर्स कुछ सोचो यार, कैसे यहाँ से बाहर निकलना है। अरे यार हमारे पास तो कोई आइडिया नहीं है, हम तो तुम्हें बचाने आए थे, हम लोग बुरी तरीके से खुद फंस गए। अबे क्या फंस गए भाई, मैंने तुम लोगों को कहा था कि भाई शांति से आना, पुलिस वालों से बात करना, तुम लोग तो भाई डायरेक्ट छलांग लगा के जेल के अंदर आ गए और सीधे मेरे साथ ही आके खड़े हो गए। अरे कोई बात नहीं, अब हम लोग सारे लोग मिलकर सोचते हैं कि क्या करना है। अरे हाँ यार चिंता मत करो, हम लोग यार कुछ ना कुछ आइडिया निकाल ही लेंगे। अबे भाई साहब यार कैसे आइडिया के बारे में तुम लोग सोच रहे हो। अबे भाई चौब जेल से निकलने के यार, जेल से हम लोगों को निकलना भी तो है। अबे भाई क्यों निकलना है यार, जेल से मस्त यार खाना वाना मिल रहा है, बाथरूम बगल में आई, बेड भी लगा हुआ है, मस्त जिंदगी जीना यार, क्या तेरे को टेंशन हो रही है। ओए चौब तेरे को रहना तो रह भाई, हमको तो निकलने दे भाई यहाँ से। अबे सोचो ना यार कुछ। अरे यार हमारे पास बहुत सारी पावर्स है, लेकिन भाई साहब हम लोग पावर्स को यूज नहीं कर सकते यार। अरे क्यों यार। अबे क्योंकि देख भाई, अगर तेरी पावर्स को हम लोगों ने यूज किया और यहाँ से बाहर निकले तो दो चार पुलिस वालों को तो हम लोगों को टपकाना ही पड़ेगा। अरे हाँ यार सही बात है, और जहाँ पुलिस वालों को टपका दिया भाई, इनके पास तो और भी ज्यादा तगड़े सबूत हो जाएंगे कि हम लोगों ने मिलिट्री की भी गाड़ी चुराई है और बहुत सारे पुलिस वालों को भी मारा है। अरे हाँ यार ये बात तो सही है, उसके बाद फिर हमें और तगड़ी सजा दी जाएगी यार जेल के अंदर, वो बहुत ही ज्यादा बुरा रहेगा। अरे तो यार मैं एक काम करता हूँ, इसकी दीवारें तोड़कर हम लोग निकल जाते हैं। अबे भाई साहब तब भी यार पुलिस वाले आएंगे और तेरे को मारेंगे और फिर तू पुलिस वालों को मारेगा और एक गुस्से में पुलिस वाले मर जाएंगे भाई। नहीं पावर का तो बिल्कुल यूज नहीं करना, दिमाग का यूज करना है गाइस, दिमाग का यूज करके बिना किसी भी पुलिस वाले को मारे यहाँ से निकलना है। अबे भाई साहब कल ये एक पुलिस वाला यही पे खड़ा है। अरे यार ये हट भी तो नहीं रहा। अरे भाई साहब तेरे घर में कुछ काम वाम नहीं होता क्या, जाना यहाँ से। अरे तेरे को अंडे नहीं लाने होते क्या, क्या मस्त यार मैं बाजार जा रहा था अंडे लाने के लिए, पता नहीं कहाँ से वो मनहूस गाड़ी आई और उसकी वजह से यार हम लोग जेल के अंदर आ गए। वैसे गाइस यार तुम लोग चाहते हो कि यार हम लोग जल्द से जल्द यार इस वाले जेल के बाहर निकले, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और साथ में यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अबे हाँ यार तुम लोग भी तो यहीं थे, अरे फिर भी हमें भूल गए क्या, और मुझे भी। अबे हाँ यार तुम दोनों यहीं पर हो गाइस यार, फटाफट से वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि गाइस यार हम लोग यहाँ से निकल सके और कोई तगड़ा आइडिया आ सके। अबे कुछ सोचो ना यार। अरे यार फ्रैंकलिन मेरे पास एक बहुत ही तगड़ा आइडिया है। क्या 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 बोल बोल। अरे ये देखो सामने जो ये बंदा है इसकी जेब में इस जेल की चाबी है। अबे हाँ सही कह रहा है, तो एक काम करो इस वाले बंदे को एक घूसा मारो पीछे से और जैसे ही ये बंदा बेहोश हो जाए इसकी चाबी निकाल के हम लोग फटाफट से भाग लेंगे। अबे हाँ यार आइडिया तो बढ़िया है तेरा ये वाला। अरे चलो यार फ्रैंकलिन यही वाला आइडिया इस्तेमाल करते हैं। ओके सो गाइस यार आइडिया तो बहुत ही ज्यादा तगड़ा बताया है आयरन मैन ने, और अगर गाइस हमारा ये आइडिया काम नहीं किया और मान लो यार ये एक घूसे में बेहोश नहीं हुआ, तो भाई साहब ये बाकी और पुलिस वालों को बुला लाएगा और बाकी सारे पुलिस वाले मिलकर हमारी चटनी बना देंगे। अरे यार इसलिए ध्यान से करना, हम तो अपना हाथ बाहर निकाल नहीं सकते। क्यों भाई। अरे क्योंकि मेरा हाथ तो इस जेल के जंजीरों के बाहर निकलेगा ही नहीं। और तू। अरे यार मैं क्यों इस्तेमाल करूँ यार जब तुम हो ही। अबे भाई साहब यार तुम लोग सही हो। अबे कलुए आराम से। अरे फैमिली यार आराम से, हमें भी खोल देना। अबे हाँ टेंशन मत करो, पहले मैं अपना जेल तो खोलूं। ओके सो गाइस ये रहा बंदा यार, एक घूसा मारता हूँ इसके और इसकी जेब में जो चाबी लटक रही है गाइस वो वाली चाबी से हम लोग दरवाजा खोलेंगे। ये मार। ओ शिट शिट शिट, नहीं लगा नहीं लगा। अरे यार आराम से यार, क्या कर रहे हो जंजीरों पे क्यों मार रहे हो। अबे भाई साहब गलती से निशाना थोड़ा सा चूक गया गाइस। अबे भाई साहब कलुए मारना इसके। अबे रुक जा यार चौप, दो मिनट शांत हो जाओ। ओके सो गाइस पूरी पावर इकट्ठी करके बस इस बार ये जंजीरों पे ना लगे। और ये भाई साहब मारा। ओ भाई बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से बेहोश कर दिया मैंने उसे। अरे यार तुमने तो कमाल कर दिया फ्रैंकलिन। अबे भाई साहब मेरे को पता है यार मैं इतना ज्यादा खास हूँ ही। अरे यार अब ज्यादा बकवास मत करो, जल्दी से चाबी उठाओ इससे पहले कि वो होश में आ जाए। अबे हाँ एक सेकंड आराम से गाइस। अरे यार जाओ ना फ्रैंकलिन, अबे उठाओ। अबे भाई साहब मेरे को इतनी ज्यादा खुशी हो रही है मैं क्या करूं। ओके सो गाइस यार ये बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से बेहोश हुआ है और इसकी चाबी कहाँ है। अबे यार कलुए उसने अपने घुटने के नीचे दबा रखी है। अबे यार इसके अंदर से, हाँ गाइस मुझे लगता है शायद मेरा हाथ पहुंच जाएगा, एक सेकंड निकालने की कोशिश करता हूँ मैं। अरे अबे भाई साहब है भी चाबी नहीं। अरे यार पहले थी ना तो होगी यार, वहीं पर ध्यान से देखो। हाँ तुम लोग ऑर्डर देते रहो, मेरी हेल्प नहीं कर सकते। अरे यार तुम करो ना अपनी खुद की हेल्प, हमारे हाथ इतने बड़े बड़े हम लोग क्या करें। अबे यार अकेले ही निकालना पड़ेगा। अरे यार फ्रैंकलिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो, चाबी उठा कर लाओ ना। अबे भाई साहब चाबी नीचे है। अरे यार ये चाबी यहाँ पर कैसे आई। अबे अभी तो निकाली है मैंने यहाँ से। गाइस यार तुम लोग देख पा रहे हो चाबियों का गुच्छा हमारे हाथ लग चुका है। अब गाइस यार हम लोग एक काम करने वाले हैं, इस चाबी को लेकर ऐसे हाथ घुमा के, और यहाँ पर तुम लोग देख पा रहे हो ये गोल सा नहीं है, मतलब गोल सा नहीं है, ऐसा डब्बे जैसा, ये है लॉक सिस्टम, यहाँ पर लगा के गाइस हम लोग लॉक खोलेंगे। अबे भाई साहब कलुए जल्दी से खोलना यार। ओके सो गाइस काफी ज्यादा मेहनत के बाद शायद ये
दरवाजा खुल चुका है। अबे भाई साहब कल तो कमाल हो गया। अरे हाँ यार सच में तुमने फ्रैंकलिन कमाल कर दिया। अबे जल्दी जल्दी आओ ना यार, फटाफट से यहाँ से निकलते हैं। अरे फैबिया भाई क्या हो गया? अरे यार हमें तो खोलो। अबे हाँ यार तुम्हारे बारे में तो मैं भूल ही गया था, एक सेकंड चाबी कहाँ फेंक दी मैंने। ओ ये रही। अरे फैबिया अबे अब तुझे क्या हो गया? अरे मुझे भी तो खोलो यार। अबे भाई साहब तुम दोनों भी रह गए, एक सेकंड गाइस इन दोनों को भी आजाद करता हूं। तुम तीनों बाहर आओ ना यार, क्या कर रहे हो अंदर? मजा आ रहा है क्या जेल के अंदर? अरे यार मुझे बहुत ही तेज की पोटी आ रही है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं जेल के अंदर करूँ या बाहर निकल के करूंगा। अबे बाहर निकल के कर लियो। अबे जल्दी से आ जाओ भाई, तुम दोनों का भी जेल खोल दिया मैंने। गाइस यार ये देखो भाई साहब शिनचैन का भी खुल गया है। अबे आना जल्दी से। अरे फाइव निकल रहा हूँ। और गाइस यहाँ पर पिनचैन की भी जेल एकदम बढ़िया तरीके से खुल चुकी है। आ जाओ फटाफट से। आ गया तू? अबे तुम तीनों आओ ना। ओके सो गाइस अभी फटाफट से यहाँ से निकलते हैं। और अबे आ जाओ ना तुम लोग। अरे फाइव आ तो रहे हैं। अबे भाई इन तीनों को समझाओ भाई, तुम लोग भी आ जाओ। अरे यार मैं तो कहता हूँ पहले तुम लोग एक बार बाहर जाकर देख कर आओ रास्ता साफ है कि नहीं, उसके बाद ही हम लोग आएंगे। तुम्हारा मैं मुंह तोड़ दूंगा। अरे फैमिली यार चलो छोड़ो इन्हें, हम लोग चलते हैं। अबे हाँ भाई चलो चलो। बे भाई साहब तुम तीनों कब आ गए भाई? अबे भाई साहब कल अभी अभी तो आए हैं। अरे यार हमने सोचा क्यों ना तुम्हारे संग ही चले। अरे हाँ यार चलो चलो। अच्छा भाई साहब आप आए ना लाइन पे। ओके सो गाइस यार हम लोगों को बहुत ही ज्यादा संभल संभल कर जाना होगा। और गाइस यार यहाँ से हम लोग फाइनली पुलिस से बचने वाले हैं। अभी तक गाइस यार तुम लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार फटाफट से लाइक कर दो। अरे गाइस यार इस वाले वीडियो पर 30,000 लाइक हम कंप्लीट कर दो ताकि हम लोग यार जेल से बाहर निकल सके। अबे यार हालत खराब होने वाली है जेल से बाहर निकलने में। उसके बाद गाइस यहाँ से अभी बाहर निकलेंगे, उसके बाद वो बड़ी वाली जेल आएगी। अरे फैमिया वहां से फिर गाड़ी लेकर भागना होगा। अबे भाई कल बहुत ही हालत खराब होगी, चल चल। ओके सो गाइस फटाफट से चलते हैं भाई साहब। हमें पता था कि तुम लोग यहाँ से भागने की कोशिश करोगे, इसलिए हमारी पुलिस गैंग ने चारों तरफ से तुम लोगों को घेर रखा है और तुम लोग पकड़े जा चुके हो। वापस से चलो जेल के अंदर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बाहर निकलने की? वापस चलो। अरे भाई साहब छोड़ दे यार प्लीज। मैंने कहा वापस से चलो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हमें पता था कि तुम लोग पक्का यहाँ से भागने की कोशिश करोगे, क्योंकि तुम लोग जब से जेल के अंदर आए हो तब से प्लानिंग किए जा रहे हो। कभी इन दोनों को बुलाते हो तो कभी कुछ सोचते हो। हमें पता था जरूर कुछ तगड़ा करोगे, इसलिए हम लोग पहले से अपनी पुलिस फोर्स लेके तैनात थे। अब भाई साहब इस बेजुबान जानवर को तो निकलने दे। हट, कब से बकर बकर किए जा रहा है और खुद को बेजुबान जानवर कहता है? चल चल अंदर चल जेल में। ओए ओए रमेश जा सबको वापस से जेल के अंदर भर के आ। ठीक है बॉस अभी भर के आता हूँ मैं। अरे चलो 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 जेल के अंदर, ज्यादा दिमाग लगा रहे हो, चलो तुम्हारी ऐसी की तैसी, फटाफट से चलो। हाँ नहीं तो बेटा होशियार बनने की कोशिश मत करना पुलिस वालों से। इस बार जेल को मैं लॉक कर रहा हूँ। अरे यहाँ से निकलने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। यहाँ से अगली बार निकलने की कोशिश करी तो हमारी टीम तुम्हें गोलियों से भून डालेगी। समझे? अरे अंकल यार हम तो 5-5 साल के छोटे छोटे बच्चे हैं, कम से कम हमें तो छोड़ दो। अरे बच्चे तुझे ये सब मिलिट्री वालों की गाड़ी चुराने से पहले सोचना चाहिए था। अब तुम लोग तो बड़े चलाक निकले यार, हमारे एक गार्ड को तुम लोगों ने बेहोश कर दिया। ये बहुत ही गलत है, तुम्हारे 2 साल की सजा और बढ़ाई जा चुकी है। तो हमारी सजा तो बता दे यार कितने साल है? जिंदगी भर की तुम्हारी सजा है, जिसमें से 2 साल और ही बढ़ा दिए गए हैं। अब शांति से यहाँ पर पड़े रहो। अरे साथी उठ जा भाई। अबे भाई अब तो कम से कम कोई गार्ड यहाँ पर खड़ा कर दे जिसके पास चाबियाँ हो। हमें पागल समझा क्या? इस बार चाबियाँ मैं खुद रखने वाला हूँ। अबे भाई साहब यार क्या आयरन मैन। अरे क्या हो गया फ्रैंकलिन, बेरी क्या गलती है? अबे तेरा फालतू का दिमाग लगाने की वजह से गाइस हम लोग दोबारा से इस जेल के अंदर फंस गए, और वो भी बुरी तरीके से यार। इस बार तो भाई साहब चाबी भी हमारे हाथ नहीं लग सकती किसी वजह से। अरे फैमिली अब क्या करेंगे हम लोग? अबे भाई मेरे को भी कुछ समझ नहीं आ रहा। अबे भाई कुछ तगड़ा आइडिया सोचो ना। अरे फैमिली यार मेरे को नहीं सूझ रहा कोई तगड़ा आइडिया। अबे यार हल्क तू भाई। अरे यार मेरे पास एक बहुत ही तगड़ा आइडिया है। अब क्या आइडिया है यार? अब भाई साहब यार फिर से यही कोई फालतू का आइडिया होगा जिसमें हम लोग पकड़े जाएंगे। भाई साहब कोई सा भी आइडिया सोच लो, यहाँ से निकलने का, बाहर मिलने तो पुलिस वाले ही है, अब कैसे भागोगे यहाँ से? अबे हाँ यार हल्क यार छोड़ तेरा आइडिया। अरे नहीं यार ये आइडिया ऐसा है कि पुलिस वाले हमारे रास्ते में आएंगे ही नहीं। क्या बात कर रहा है? अरे हाँ। अच्छा भाई साहब वो कैसे? जल्दी बता जल्दी। अरे यार मैं इतनी जोर से पाद मारूंगा कि भाई साहब सारे के सारे पुलिस वाले भी होश हो
जाएंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। ओ भाई साहब, आइडिया तो काफी ज्यादा तगड़ा है यार। हाँ हाँ चलो यार, यही वाला आइडिया इस्तेमाल करते हैं यहाँ से भागने के लिए। अरे फैमिया यार, ये आइडिया में कोई झोलमाल तो नहीं? झोलमाल मतलब कैसे? अरे मतलब यार पता चला हम ही बेहोश हो गए। अरे नहीं नहीं यार, तुम लोग अपनी नाक बंद कर लेना है ना यार। अबे भाई साहब यार, आइडिया तो मेरे को थोड़ा बहुत इसका ठीक लग रहा है। अबे हाँ यार चुप, मेरे को भी आइडिया कुछ कुछ ठीक लग रहा है यार। वैसे देख ले भाई, तेरी पाल में इतना दम तो है ना, सारे के सारे पुलिस वाले बेहोश हो जाएंगे। अरे कैसी बात करो यार, तुमने अभी तक हल के पाद को समझा नहीं है। अच्छा भाई साहब, तो चल भाई आज तुझे मौका दिया जाता है, गाइस यार देखते हैं यार हल के पाद में कितना दम है। अच्छा तो तुम लोग तैयार हो जाओ बे भाई साहब, कितना बुरा महकाया है यार इसने। अबे यार कलियो, नाक बंद कर ले वरना तू ही बेहोश हो जाएगा। ओके सो गाइस, कोने में नाक बंद कर लेते हैं। अबे भाई तेरी पाद का असर अब तो हो गया होगा। अरे हाँ यार, लगता तो है मुझे। अरे यार बहुत ही ज्यादा गंदी पाद थी, मेरे को तो बेहोशी सी हो रही है। अबे आयरन मैन भाई होश में रह। ओके अबे लेकिन भाई ये जेल कैसे तोड़ेंगे? अरे ये जेल भी मैं अपनी शक्तियों से तोड़ देता हूँ यार, पुलिस वालों को मार नहीं सकते, जेल को तो तोड़ ही सकते हैं। अबे हाँ यार, ये तो सही बात कह रहा है, वैसे तो उस पुलिस वाले की तरह मत बोल। रुको यार फ्रैंकलिन, इस जेल को मैं अपनी पावर से तोड़ता हूँ। ओके सो गाइस यार, तुम लोग देख पा रहे हो भाई साहब हल्क की कारस्तानी यहाँ पर क्या है? देखा मेरी पावर का नतीजा गाइजर? सच में यार ये देखो भाई साहब, इसने जेल को पूरा का पूरा गाइजर से पकड़ के साइड में खिसका दिया है, जो कि यार बहुत ही ज्यादा तगड़ी बात है। अरे फैमिया हमारा भी कुछ करो। अरे फैमिया मेरा भी। अबे रुक जाओ टेंशन मत लो यार, तुम लोगों को भी मैं आजाद करवाता हूँ। ओए हल्क भाई काम पर लग जाओ यार फटाफट से। अरे क्या यार, अबे इन दोनों को भी आजाद करा दे और फिर गाइस दोबारा से हम लोग यहाँ से भागने की कोशिश करेंगे। गाइजर इस बार मुझे नहीं लगता कोई गड़बड़ होने वाली है, क्योंकि बाहर सारे पुलिस वाले बेहोश हो चुके होंगे, किसी को भी मारने की जरूरत नहीं, हम लोग फटाफट से गाड़ी लेंगे और भाग जाएंगे यहाँ से। इसलिए तुम लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और साथ में यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। अबे जल्दी से भाई हल्क इनके भी जेल तोड़ना। अरे फाइन भैया चलो यार। ओके सो गाइस, और हल्क ने भाई साहब इन सब के भी दरवाजे तोड़ दिया अभी फाइनली। अबे चौप तू कहाँ रह गया था? अबे कलुआ कहीं नहीं। अरे यार चलो चलो फ्रैंकलिन जल्दी से चलो। ओके सो गाइस, इससे पहले कि यार बेहोश हुए पुलिस वाले उठें, उससे पहले हम लोग निकल लेते हैं। भाई सच में यार बेहोश हो चुके हैं ये तो। अरे फैमिया ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ी खबर है। अरे हाँ यार बिल्कुल सही कहा। अबे हाँ यार पिंचन और शिंचन बहुत ही ज्यादा बड़ी खबर है। गाइस ये देखो यार, भाई कैसी पाद मारता है यार तू। अरे यार मैं तो हूँ ही खास, मैंने कभी घमंड नहीं किया। करियो भी मत यार। ओके सो गाइस, यहाँ पर देखो सारे के सारे पुलिस वाले बेहोश हो चुके हैं, वो यहाँ पर भी। अरे फैमिया चलो चलो। अबे भाई सब ये कौन है? हमें पता था कि तुम लोग दोबारा से कोई ना कोई तगड़ा दिमाग लगाओगे, इसीलिए हम लोग पहले ही खड़े थे, हमारी नई टीम स्वेट सोल्जर्स की। अबे भाई सब ये कब आए? तब जब तुम लोग प्लानिंग कर रहे थे यहाँ से भागने की। अबे भाई ये तो दोबारा गड़बड़ हो गई। अबे भाई साहब यार, तुम लोग बेहोश क्यों नहीं हुए? हमें पता था तुम बहुत ही ज्यादा तगड़ा दिमाग लगाओगे, इसलिए स्वेट सोल्जर्स को पहले ही बुलाया जा चुका था। और स्वेट सोल्जर्स वो लोग होते हैं जिनके मुंह पर मास्क लगा होता है, इसलिए जिस भी खतरनाक गैस या एटम बॉम्ब का तुमने यूज किया, उसकी वजह से हम लोग बेहोश नहीं हो पाए। और इसीलिए तुम लोग पकड़े जा चुके हो। अरे यार लेकिन यार तुम लोगों का कैसे पता हम लोग यार किसी खतरनाक गैस का यूज करने वाले हैं? और ऐसे मास्क क्यों लगाए हैं? हमारी ड्रेस का कोड ही है, हम लोग ऐसा मास्क लगाते हैं। और यही नहीं बच्चों, तुम्हें पता नहीं है बाहर कौन कौन खड़े हैं? मतलब सबसे पहले पुलिस वाले स्वेट सोल्जर, उसके बाद पलीटो की पुलिस, उसके बाद नॉर्थ इंडियन की पुलिस, उसके बाद मिलिट्री बेस की पुलिस, उसके बाद FBI वाले, उसके बाद FIB वाले, उसके बाद नॉर्मल सोल्जर्स, उसके बाद मिलिट्री के सोल्जर्स। अबे भाई बस 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 कर भाई, पूरी दुनिया की मिलिट्री हमारे पीछे लगा दी क्या? अबे भाई थोड़ा अपने प्रधानमंत्री को भी प्रोटेक्शन दे लो, पता चला उसकी खोपड़ी को उड़ा के भाग गया। तुम उसकी टेंशन मत करो, हमारे लॉस सैंटोस में बहुत सारे पुलिस वाले हैं, लेकिन तुम्हें कैद रखना हमारी एकमात्र जिम्मेदारी है। और तुमने जिस भी खतरनाक गैस का यूज किया, वैसे कौन सी गैस थी वो? अबे गैस नहीं थी भाई, हमारे हल्की पाद थी जिसकी वजह से ये लोग बेहोश हो गए, लेकिन यार तुम लोगों ने मास्क लगा रखा था इसलिए बेहोश नहीं हुए। चलो चलो वापस से जेल के अंदर चलो। और भाई साहब बहुत ज्यादा दिमाग लगा रहे हो, लगता है सिक्योरिटी डबल करनी पड़ेगी। क्या बात कर रहे हो, तो पहले से इतनी सिक्योरिटी और डबल करेगा और क्या। अरे फैमिया ये तो सिक्योरिटी वाले ही मार डालेंगे लगता है। अरे जेल भी तोड़ दिया, इसे भी रिपेयर करवाना पड़ेगा।
अबे भाई साहब ये क्या बदतमीजी है? क्या बदतमीजी है क्या? अबे मतलब सारे के सारे तुमने एक ही जेल में ठूस दिए? तो तुम्हारी कारस्तानी तो देखो, तुमने तीनों जेलों के दरवाजे तोड़ दिए। इतने टाइम में हमसे एक ही जेल का दरवाजा बन पाया, इसलिए अब तुम सारे के सारे एक ही जेल में सड़ो। अरे यार ये तो गलत बात है, कम से कम उस जेल में हवा तो आ रही थी। अब मुझे नहीं पता, और सिक्योरिटी डबल की जा रही है, अब तो भागने की बिल्कुल सोचना भी मत। अबे भाई साहब अवेंजर्स, अबे अबे तुझे क्या हो गया? अरे यार मैं पोटी ना करूँ, एक तो बहुत ही तेज की पोटी आ रही है। अरे भाई ये क्या है यार, यहीं पर करना शुरू हो क्या? अरे तो मैं कहाँ जाऊँ, तुम कह रहे थे जेल से निकलने वाले, निकल तो पा नहीं रहे। अबे भाई साहब तुम्हारे दो दो आइडिया फ्लॉप हो गए यार, कुछ तगड़ा सोचो अवेंजर्स। अरे यार सब कुछ सोचने का ठेका क्या हम ही लोगों ने ले रखा है, तुम भी कुछ सोचो, तुम्हारे पास भेजा नहीं है, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। भाई साहब आयरन मैन तुम उससे इतना गुस्सा हो रहा है? हाँ तो मैं क्या करूँ यार, तुम्हारी वजह से दोनों आइडिया फेल हो गए, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। अरे फैबे यार ये लड़ने का टाइम नहीं है। तो क्या इसकी तरफ बैठने के पोटी करने का टाइम है? अरे नहीं नहीं यार कुछ तगड़ा सोचे यार, इस बार तो पक्का हम लोग जेल से निकल कर रहेंगे। अरे गाइस यार कुछ समझ नहीं आ रहा यार, एक काम करो गाइस, तुम लोग यार कमेंट में बताओ कि कोई तरीका है यार जिससे हम लोग आराम से निकल सके बिना पुलिस वालों को मारे। अबे तुम लोग सोचो यार। अरे फैबे वैसे यार तुम्हारे पास फोन भी तो था। अबे फोन से मैं क्या करूँ, फोन से तो तू ऐसे कह रहा है जैसे मैं बाकी एवेंजर्स को। ओए हाँ मैं बाकी एवेंजर्स को भी तो बुला सकता हूँ। अरे फैबे वही तो यार। अबे हाँ यार। अरे हाँ यार ये आइडिया तो हमें आया ही नहीं इतनी देर से। अबे हाँ ये बहुत ही ज्यादा तगड़ा आइडिया यार। अरे यार तब तक तुम एवेंजर्स को बुलाओ, तब तक मैं हल्का हो लेता हूँ। अबे चुप रहे। अबे यार एवेंजर्स को बुलाने वाला आइडिया बढ़िया है। अबे भाई साहब वो बेवकूफ एवेंजर दोबारा से इन एवेंजर्स की तरह बेवकूफी करी तो। अबे नहीं नहीं इस बार हम लोग चालाक वालों को बुलाते हैं, काम करते हैं, इस बार वेनम को बुलाते हैं और साथ में और फैबे साथ में यार थॉर को। नहीं नहीं यार थॉर को नहीं, मैं सोच रहा हाँ थॉर और हल्क बस्टर को बुलाते हैं। अरे फैबे हाँ यार ये बढ़िया रहे क्या? अबे हाँ वेनम को छोड़ यार, थॉर और हल्क बस्टर। थॉर के पास हथौड़ा है भाई साहब, ऐसा हथौड़ा मारेगा कि पूरा जेल ही उड़ा देगा। और हल्क बस्टर के पास पावर है। पावर तो मेरे पास भी है। हाँ हाँ देख ली तेरे पाद में कितना पावर है। ओ भाई साहब हाँ यार ये बढ़िया आइडिया रहेगा। गाइस एक काम कर दो, मैं सबसे पहले हल्क बस्टर को कॉल लगाता हूँ। अरे फैबे उसे फटाफट से बुला लो। अबे यार उसका नंबर। अरे यार मैं बता रहा हूँ 9997742। अबे चुप हो जा। हेलो भाई साहब हल्क बस्टर सुन रहा है तू? अरे हाँ यार बोलो फ्रैंकलिन, कैसे फोन किया? वैसे तुम अभी आजाद नहीं हुए क्या जेल से? अबे नहीं भाई साहब जेल में से ही तो मैं फोन कर रहा हूँ। यार मैंने हर हल्क मुझे यार बचाने के लिए आए थे, ये दोनों खुद मेरे साथ फंस गए यार जेल में। अरे क्या बात करो यार। अरे हाँ यार सच में भाई प्लीज बचा ले यार प्लीज। अरे यार ठीक है मैं काम करता हूँ, मैं आता हूँ। अबे नहीं नहीं तू और थॉर दोनों मिल के आओ और कुछ तगड़ा आइडिया सोचो, डायरेक्ट जेल के अंदर मत आना भाई। अरे ठीक है यार ठीक है। हाँ तुम दोनों डायरेक्ट जेल के अंदर मत आना, कुछ तगड़ा आइडिया सोच कर फिर आना और भाई साहब हमको बचा कर ले जाना। अरे ठीक है यार टेंशन मत करो, हम लोग आते हैं, बस फोन रखो। ठीक है यार जल्दी आ जल्दी। अरे फैबिया क्या कहा उसने? अबे कह रहा बस जल्दी आ रहा है गाइस। अरे यार मेरे को समझ नहीं आ रहा ये लोग फंसे कैसे जेल में। अरे यार यही तो मेरे को भी नहीं पता यार, ये फ्रैंकलिन ऐसे क्या काम किया इस फ्रैंकलिन ने ऐसा कि यार उसे जेल में बंद कर दिया उन लोगों ने। अरे यार पता नहीं, वैसे ये जेल कहाँ है यार? अरे जेल इधर ही है यार, इधर ही कहीं है। अरे यार तो मुझे गोल गोल काय को घुमा रहे हो यार, सीधे सीधे बताओ ना। वैसे फ्रैंकलिन ने कोई आइडिया दिया था क्या यार जेल से बाहर निकलने का? अरे नहीं यार वो तो कह रहा था कि तुम खुद ही कोई तगड़ा आइडिया सोचना, डायरेक्ट जेल में मत आना। तो हम क्या यार आइडिया सोचे, हमारे पास तो खुद कोई आइडिया नहीं है। अरे नहीं यार मेरे पास एक बहुत ही तगड़ा आइडिया है। अच्छा यार क्या यार बताओ बताओ, हल्क बस्टर कोई तगड़ा आइडिया तो बताओ। अरे यार मैं तो कह रहा था हम लोग एक सुरंग खोदते हैं, जो सुरंग सीधा उस जेल में निकलेगी जहाँ पर फ्रैंकलिन शिनचैन पिनचैन चॉप आयरन मैन और हल्क कैद है, और वहाँ से हम लोग डायरेक्ट सुरंग के रास्ते उन लोगों को बचा लेंगे। अरे यार वैसे आइडिया तो बुरा नहीं है। अरे हाँ यार चलो अभी सही काम पर लग जाते हैं, शायद हम लोग सुबह तक सुरंग खोद देंगे। अरे हाँ यार सही कह रहे हो, एक काम करते हैं यहाँ से सुरंग खोदते हैं। अरे यार वो देखो सामने की तरफ वो रही बड़ी वाली जेल, तो चलो यार सुरंग खोदने का काम यहीं से हम लोग चालू कर देते हैं। आ जाओ यार फटाफट से हल्क बस्टर, चलो चलो यार चलो। अरे यार बहुत ही ज्यादा बढ़िया है यार थॉर, खोदते रहो सुरंग। अरे हाँ यार तुम भी बढ़िया तरीके से यार इधर से सारी मिट्टी हटाओ, एकदम ऐसी सुरंग खोदी है यार जो यार डायरेक्ट उनकी जेल में निकले जहाँ पर फ्रैंकलिन शिनचैन पिनचैन है। अरे हाँ यार बढ़िया से, वो लोग तो सरप्राइज ही हो जाएंगे यार। चलो चलो यार सुबह तक हम लोगों की सुरंग खोद देनी है। पता नहीं गाइस यार हम लोग यार यहाँ पर कब तक कैद रहने वाले हैं। वैसे यार हम लोगों ने फोन तो कर दिया था यार हल्क बस्टर वगैरह को, देखते हैं गाइस वो क्या कर पाते हैं। वैसे गाइस यार तुम लोग चाहते हो कि यार हम लोग सच में यार जेल से बाहर निकले अगले वाले एपिसोड में, तो गाइस यार कमेंट में पार्ट 3 लिख देना। और गाइस यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ में यार वीडियो को भी लाइक कर देना। और भाई साहब कोई तगड़ा सा आइडिया लिख देना यार इस जेल से बाहर निकलने का बिना पुलिस वालों को मारे। अरे हाँ यार हम लोग बिना पुलिस वालों को मारे बाहर निकलना चाहते हैं। अरे हाँ यार अबे तू पहले पोटी कर ले। गाइस यार तुम लोग यार कमेंट में जरूर लिख देना कोई तगड़ा आइडिया, साथ में गाइस पार्ट 3 भी लिख देना और गाइस वीडियो को 30,000 लाइक तक पहुंचा देना और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले बटन जरूर प्रेस कर देना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं गाइस क्या होता है अगली बार, क्या हम लोग जेल से निकल पाएंगे।